कितना हसीन चेहरा, वाह कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार, तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, और सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार दे, 5000 उधार दे नहीं तो गोली मार दे, किसी बैंक से लोन निकाल के BMW कार दे, हे गम्मा बाबू प्यार दे प्यार दे प्यार दे हमें प्यार दे। तब फेसबुक पे प्यार हो गया आलोक भैया, तो क्या घटना घटी, 20-30 हजार तक उधार हो न जाए, 20-30 हजार, डर लगता है प्यार करने में, इसके करने में 20-30 हजार तक उधार हो न जाए, ना मिलो मुझसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए, दिल तुमसे मिल करके बेकरार हो न जाए, मैं खड़ा रहूं मुंह बाए तू फरार हो न जाए, तो प्यार का नगमा है जिंदगी भर का सदमा है, तू प्यार न कर मुझसे मेरे सरदस मुकदमा है, कुछ पा कर खोना है कुछ खो कर पाना है, इसमें ये निश्चित है कि मुझे जेल ही जाना है, खतरे में मोहब्बत है और बर्बाद जवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी दीक निशानी वा, है। वाह मातृभूमि को नमन है, देश अपना चारों तरफ चमन है, और सबके दिलों में मोहब्बत है अमन है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं गमन है, लेकिन मोदी योगी के द्वारा घोर दमन है। बढ़िया बढ़िया, ऐसे बहुत ही प्रणाम करते हैं। हाँ, नीर जी के बाद अब अग्निवीर का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ए बिहारी भैया, हाँ तुलसीदास जी पूछ रहे कांग्रेसी है क्या? हाँ, जगदम्बा भैया को बहुत लंबा लंबा प्रणाम करते हैं। ताकि यह खंभा कई सालों तक खड़ा रहे और इन पे बिजली का तार पड़ा रहे। हम लोगों में यही सब मोहब्बत है, तुलसियान जी का अपना मन बड़ा हुलसियान रहता है और पुलसियान लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं, जैसे हमारे आलोक भैया बैठे हैं। प्रणाम करते ही जोरदार तालियां हो जाए आलोक भैया के लिए। आदरणीय हमारे बीच में सांड बनारसी जी के चरणों में सादर नमन, दमदार भैया को बहुत ही प्रणाम करते हैं। बहुत श्रेष्ठ कवियों के बीच में काव्य पाठ करना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि बहुत लोग लिखकर पढ़ते हैं और हम पढ़कर ही पढ़ते हैं। तो इससे जो है थोड़ा अंतर आ जाता है हमारे औरों में, इसलिए बहुत ही बढ़िया से बड़े प्यार मोहब्बत से सुन रहे हैं। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। अरे वाह 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 वाह। अध्यक्ष जी हमारे मित्र हैं, पत्रकार हैं, पत्रकार तो ऐसे होते हैं भैया, मुझको तो दोस्तों से कोई गिला नहीं, पर दुश्मन भी कायदे का मुझको मिला नहीं, मैं जीत कर दिखाऊंगा एक रोज तेरा दिल, ये दिल तुम्हारा दिल है कोई किला नहीं। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो चाट गई पूरा अचार की तरह, तुम आओ मेरी जिंदगी तुम आओ मेरे, तुम आओ मेरी तुम आओ जिंदगी में एक परिवार की तरह,
मैं पढ़ता रहूं रोज फिर अखबार की तरह, वो जाट गई पूरा। देखिए कविता मैं लिखता नहीं हूं, ऐसे पढ़ता चला जाऊंगा। आज तो कवि है, लिखने की जरूरत नहीं है, इतने लोग लिख रहे हैं, आपके केवल पढ़ने की जरूरत है। रमेश पांडे भैया को प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं केवल पांडे। आपसे दो मिनट पहले ही बिना विनम्र निकले हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो वो तो बिना विनम्र जी हैं, उनसे उनसे ज्यादा हम विनम्र हैं इसलिए। क्योंकि भाई विजय विनम्र भैया तो जैसे तैसे निकल भी गए, हम तो निकल भी नहीं पाते। ये बनारस की धरती है और चारों तरफ जो है कुछ पेय पदार्थ यहाँ पर अवतरित हो रहा है। हमको लगता है ये जितने भी 14 रतन निकले थे, 15वां रतन धर्म प्रकाश मिश्र के पास आया। अभी ये 15वां रतन से इनका हमेशा नाता बना रहे और बहुत बढ़िया, बहुत प्यार से सुन रहे हैं, बड़ा मन से। जब 125 सीट अखिलेश यादव ने निकाली तो यादवों के चेहरे मुरझा गए, क्योंकि दूसरी बार बाबा योगी अपनी कुर्सी पर आ गए। वाह। हमने कहा यादव उदास क्यों होते हो, आपके नेता ने अकेले 125 सीट निकाली है, पहले ये समझिए। यादवों के चेहरे फिर से खिलने लगे, बोले अरे बाप बाप, बात तो सही है आंकड़ा। हमने कहा 125 सीट आपके नेता ने अकेले दम पर निकाली है, आप भी बाबा योगी के सगे हैं, क्योंकि विधानसभा तक आप भी तो पीछे पीछे लगे हैं। वाह। आप हमेशा यदवंशी रहे, यदवंशी रहेंगे। कल आप महाभारत में सारथी थे, आज भी आप सारथी हैं। यह अलग बात है, तब के अर्जुन गांडीव चलाते थे, आज के अर्जुन बुलडोजर चला रहे हैं। इसलिए जाते जाते बाबू मुलायम सिंह ने कहा बेटा वो जिधर कहे रथ उधर मोड़ देना, जब न समझ में आए तो घोड़ा लगाम लखनऊ में छोड़ देना। वाह। तो ऐसे हालात आ गए। यादव ने कहा चाहे जिसकी सरकार हो लेकिन अपना स्वभाव तो स्वभाव है, बदलेगा नहीं। हमने कहा यादव जी आपका स्वभाव क्या है, कहने लगे हम का बोलऊ ब्याह तो अऊ भाई करब, गैया भैंसिया लगऊ भाई करब, हम का बोलऊ ब्याह तो अऊ भाई करब, गैया भैंसिया लगऊ भाई करब, हम है यूपी के यादव के लड़का, दुधवा में पानी मिलऊ भाई। जे का ले खोले ना जाए, दूध में पानी मिलाना उनका धर्म है। हम कहे कोई संविधान में धारा है, बोले संविधान में धारा नहीं है, हम लोग इतनी धारा खुद ही इसमें डाल देते हैं, तो हमें धारा और जरूरत पर भी ना करा। हमने कहा वो तो कहो तेज धारा नहीं डालते। तो ऐसे हालात आ गए। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बड़ा थोड़ा नया नया सुनाने का मन है। जब सांड बनारसी दादा हूँ, रमेश पांडे दादा हूँ, तुलसियानी तुलसियान दादा हूँ, ऐसे लोग हों जब, तब बूढ़ों को कौन बूढ़ा कहेगा। ये तो चिर जवान है, यही सोच के नौजवान परेशान है। ये चिर जवान है, ये कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि जिनके बाल सफेद हो गए उनको तो हम कहते हैं प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। वाह वाह। और चार पंक्तियां ऐसे भी कह सकते हैं, पिपासा का फोटो सब टांगने लगे, मोहब्बत में इतनी तेज लोग भागने लगे, देखा जो लड़के लड़कियों को प्यार यूं करते, बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगने लगे। और तब चार पंक्तियां और कहा, जो लोग बूढ़ों को कमजोर समझते हैं, मैं उनके लिए सिर्फ चार पंक्तियां लिया कि भले हो जिस्म बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है, हसीनों हलके में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को, कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। ऐसे तमाम जहरीले मिर्चों के बीच में
कविता पढ़ रहे हैं तब कहते हैं ये तो प्यार का नगमा है, जिंदगी भर का सदमा है। तू प्यार न कर मुझसे, मेरे सर दस मुकदमा है। कुछ छुपा कर खोना है, कुछ खो कर पाना है। इसमें ये निश्चित है कि मुझे जेल ही जाना है। खतरे में मोहब्बत है और बर्बाद जवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी दीक निशानी है। हथकड़ी लग गई लड़के को प्यार में, मगर प्यार फिर भी लड़के ने नहीं छोड़ा। कहता है जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लगवा दो तुम हथकड़ी। ओ मितवा लागे न रे जियरा, लड़की है छत पे खड़ी, हमारी अम्मा से 10 साल बड़ी, बस यही है बड़ी गड़बड़ी। प्यार कर ले घर क्या बात। देखिये कोई कविता नहीं है हमसे, हमने जिंदगी में आज तक कविताएं नहीं लिखी। हमारी पत्नी ने कहा आप कविता नहीं लिखते, हम कहे लोग कविता नहीं सुनते इसलिए हम कविता नहीं लिखते। क्या बात, लोग कविता पढ़ते हैं सुनते नहीं है। जब पढ़ने की बारी आती है तो अच्छा सा पढ़ना चाहते हैं, वाह। लेकिन जब सुनने की बारी आती है तो हमारे स्तर के ही लोग बैठे होते हैं तो हम अपने स्तर को उनके स्तर से मिलाते मिलाते इतने निम्न स्तर के हो गए कि हम आज तक अपना स्तर ऊंचा नहीं उठा पाए। हम क्या करें इन स्तरों का, इन स्तरों को कहां ले जाएं। ऐसे तो इन स्तरों का बड़ा काम रहता है। निम्न स्तर अगर आपके पास न लगा हो तो आपका पूरा शरीर नंगा दिखाई दे, इसलिए निम्न स्तर बहुत कीमती होता है। कपड़ों में निम्न स्तर होता है, एक स्तर कपड़े में नहीं लगता है तो बदन नंगा दिखता है, इसलिए निम्न स्तर की वो कीमत है जिसको आप लोग पहचान नहीं पाएंगे, लगता है मेरे मरने के बाद ही पहचान पाएंगे। क्योंकि हमने ऐसे ऐसे गाने लिखे जिंदगी में, उन गानों की अहमियत सिर्फ मेरे तक है, क्योंकि वो गाने न कहीं लिखे जा सकते हैं न पढ़े जा सकते हैं, उनका अक्षर भी कहीं प्रेस में नहीं बना है, वो सिर्फ हमारे मुंह से वो आपको सुनने को मिलेगा। जैसे ये देश वीर जवानों का, नेताओं का, प्रधानों का, ये देश वीर जवानों का, नेताओं का, प्रधानों का, इस देश में यारो यदि रहना, कुछ हो जाए तो मत कहना, आए माई आए बप्पा, आए माई आए बप्पा हो। इनके शब्द नहीं मिलेंगे लेकिन आनंद और मनोरंजन पूरा मिलेगा। इसी का एक नमूना और देते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं भाई दिलीप सिंह जो शिव बारात निकालते हैं, शिव बारात के अध्यक्ष हैं। तो कहाँ बैठे हैं दिलीप भैया? भैया बहुत प्रणाम भैया, 3 डब्बा पूरी खा गए। मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। हमने कहा हमारा वाला डब्बा तो नहीं चल रहा है। कहे नहीं नहीं नहीं, आपका डब्बा अंदर रखा हुआ है। हम कहे भगवान करे ये डब्बा हमेशा सलामत रहे, कभी खाली ना होने पाए। वाह। तो इसे अजय साण बनारसी दादा बैठे हैं, आजकल इनकी बड़ी चर्चा है, बाबा योगी के अनन्य भक्तों में से इनका नाम है। बाबा योगी भी जिनके भक्त हों ऐसे सांड बनारसी बैठे हुए हैं। ऐसे खेतों में इतने सांड हो गए कि नील गाय के बच्चे पूछने लगे, अम्मा ये सब के हैं, ये तो पहले ना ही रहे। तो वो कहती है धीरे से बोलिए, ये सब बाबा के आदमी हैं। तो ऐसे सांड दादा जहाँ बैठे हों ऐसे भी पंक्तियां कही जा सकती हैं, कविता लिखने की जरूरत नहीं है। दमदार भैया, पंक्तियां ऐसे भी कही जा सकती हैं। वो देखिए अभी एके पांडे जी यहाँ तक आए थे। अच्छा। और विरोध जता कर गए हैं, चाची जी भी बैठी हुई हैं उनके साथ, कि आप बूढ़ों वाला बात कह के बेइज्जती कर दिए, तब से वो उनको प्रताड़ित कर रही है। घर जाने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं। वो कहा एके पांडे जी है, वो कह के गए अभी देखिए। नहीं एके पांडे जी भैया, वो एके पांडे हैं, इनको दो समझिए आप लोग। अरे एक पांडे हैं आप, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ भी एक पांडे होते हैं, एक पढ़ाई के बीच ये बात नहीं है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं केवल पांडे,
इसलिए सारे बाभन छुप के बैठे उनके आड़े। तो वैसे भी आपका दर्जा तो बहुत आगे है, त्रिफला है, गिटार है, बजाते गिटार हैं। तो आप लोग तो एक ऐसे ब्राह्मण हैं जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, इसलिए आपकी ऊंचाई तो खुद ही इतना ज्यादा है। इसलिए मैं सब प्रणाम करता हूँ, सब परिवार आप आए हैं। सब परिवार आना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि क्योंकि पूरा घर छोड़ना पड़ता है। ऐसे में आप लोग इसी तरह महफिलों में आते जाते रहेंगे तो यह आनंद बढ़ता रहेगा। मैं एक ही भैया को प्रणाम करता हूँ। हाँ नहीं, इलाहाबाद का झूंसी का पुल टूट गया और उधर पुल टूट गया, इधर अपना दिल टूट गया, क्योंकि बस जो है दूसरे मोड़ से निकल आई। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अब बस में है तो हमारा बस नहीं चल रहा है। तो ऐसे हालात में आपका बड़ा प्यार बहुत दुलार मिल रहा है, बहुत नमन करते हैं। चार पंक्तियां ऐसे भी कहने का मन है इन बड़े बुजुर्गों के सम्मान में, जब उनके हाथों में ये सोटियां देखता हूँ तो ये लगता है कि अगर इन सोटियों की जगह इनके बेटे इनके सहारे बनते तो ये सोटियां आज दिखाई न देती। क्या बात है, ऐसे पीढ़ियों से बहुत उम्मीदें लगा के रखते हैं। ऊंचे पर्वत की जो चोटियां मिल गई, बूढ़े हाथों को जब सोटियां मिल गई, मुझको ऐसा लगा कि सारा जग मिल गया, माँ के हाथों की जब रोटियां मिल गई। वाह, अरे वाह 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 वाह, हाथों की जब रोटियां मिल गई। देखिए कविता सुनते हैं लोग, अब मान गया। अच्छा विनय भैया, विनय कुमार मिश्र भैया हैं, विनय निमानत जरा जग गए तीन दिन बीत, ऐसे माला पहनाए हम हो गए कुल भाई भी। क्योंकि एक माला इन्होंने भी पहना, एक हमको भी पहना दिया, अब इनकी जिंदगी में दो लोग आ गए। वाह, बहुत बहुत बढ़िया, आपने सुना बहुत मन से सुना, और जितना प्यार जितनी मोहब्बत आप सुन रहे हैं। दो तीन मिनट और रहेंगे क्योंकि अभी दो तीन लोग कम से कम बचे हैं, इतना भी कम नहीं बचे हैं। एक आदमी ने कहा वहाँ तो सब आप कवियों की लिस्ट खत्म हो गई है। हम कहे वहाँ वहाँ कवियों के लिस्ट श्रोताओं के आधार पे नहीं चलती है। वहाँ बनारस के लोग ऐसे साहित्यिक अनुरागी हैं, अगर एक भी महफिल में जिंदा रहा तो वो कवि सम्मेलन चलता रहेगा। क्योंकि बहुत बढ़िया, मुझे जब साण बनारसी दादा को देखता हूँ तो इन सिर्फ एक साण की नहीं, मुझे कई लाख साणों की याद आती है। ऐसे साण यहाँ बैठे हैं, साण दादा कहते हैं, खेतों से जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। है, है, खेतों किसान लोग जाके देखते हैं और पूरा खेत साफ हो जाता है, तब कहते हैं, खेतों से जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, सब साण ये चर जाएंगे, थक जाएंगे बो बो के, खेतों से जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के। तब कैसे कहा जो है। वाह 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 वाह, नहीं माइक जो है अभी दमदार भैया ने कहा, वो अंबर भाई आ रहे हैं जुल्फे लहराते हुए, विजय लक्ष्मी दीदी बैठी हैं, सादर प्रणाम करते हैं, एक दीदी और बैठी है। ये तो पिछले साल कविता पढ़ा था, बहुत अच्छा प्रणाम, पिछले साल पिछली बार पढ़ा था तभी कोरोना आया था। हाँ हाँ, कोरोना तो खैर हमारे घर में भी आ गया था। अच्छा, जब गए तो हमारी पत्नी ने कहा थोड़ा दूर रहिए, मोदी जी ने कहा है। हमने कहा मेरा कहा कभी नहीं मानी, आज मोदी जी कुछ कह दिए तो लपट मार दिए। तो मैंने कहा कहें मुझे कुछ सर्दी जुकाम की शिकायत है, थोड़ा दूर रहें। तो हमने कहा मेरी चाहत का तुम पे जादू टोना हो जाए,
मैं तुमको छू लूं जिसमें तुम्हारा सोना हो जाए, आजा तुम्हें एक बार गले से आज लगा लूं जानी, फिर इसके बाद भले ही मुझे कोरोना हो जाए। वाह वाह वाह। और कोरोना जब हो गया तो लक्षण आ गए हमारे में लक्षण आए, उसका परीक्षण हुआ, कोरोना हमको देख के घबरा गया, बोला एक हमारी तरह और कौन आ गया। कहे मैं तुम्हारी मौसी का लड़का हूँ, मैं भी सड़क पे पाया जाता, मैं भी बाल वोल छितराए घुमाया, जैसे दमदार भैया ने कहा बाल लहराते हुए आ रहे हैं, तो हमने कहा उड़े जब जब जुल्फे मेरी। अभी विजय लक्ष्मी दीदी हमको एक कार्यक्रम में मिली सीधी जिला मध्य प्रदेश में, वहां भी इन्होंने कहा बाल लहराते हुए अंबर जी आ गए, हम कहे उड़े जब जब जुल्फे मेरी, कंवारियों का दिल मचले और बूढ़ों का भी दम निकले जिंद मेरी, और जब जांच किया है सोने, वो जब जांच किया है सोने, तो तेरे घर से हम निकले। ये कविता नहीं है, मगर ऐसे में आप हंसने की कोशिश करते हैं, ये बताने की जरूरत इसलिए है लोग इसको लोग कविता समझ जाएंगे। नीर जी अगर इसको लोग कविता कुछ लोग समझ जाएंगे तो बेइज्जती होगी ना, बेइज्जती होगी, इसलिए इसको बताना पड़ेगा ये कविता बिल्कुल नहीं है। कविता की होगी कि आपकी? अच्छा बस होकर बता दी थी, कविता तो ये भी नहीं है कि जब प्यार एक तरफा होता है तो लड़का चौतरफा पीट दिया जाता है। प्यार जब एक तरफ हो, इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तब मजा देता है, इसीलिए लड़का गलतफहमी का शिकार होता है, हर लड़का रोज गलतफहमी का शिकार होता है कि फला लड़की ने मुझे आज देखा। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा क्या आपने उस लड़के को देखा, कहे उसकी गलतफहमी है, मैंने कई सबको देखा, बूढ़ पुरनिया कुकुर बिलार साइकिल ये घर द्वार ये रास्ता सबने देखा, मैं एक लड़की हूँ, मैं भी देख के नहीं चलूंगी, तो लड़ नहीं जाऊंगी, गिर नहीं जाऊंगी, क्या बात, मैं ना देखूं। क्या हमने बात कहा लड़को तुम्हें तो गलतफहमी हो गई, एक लड़की गलतफहमी हो गई, पीछा कर लिया, लड़की के घर तक गया और सोचा कि प्यार हुआ होगा तो अभी हमको रिस्पांस करेगी, उसने रिस्पांस के लिए शब्द निकाले, इसके भी शब्द कहीं बने नहीं, वो सिर्फ हमने ही बनाए। ऊपर गोरी का मकान है हरे औरे 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 औरे, बुला रहा है आ नहीं रे एक तरफा प्यार है। ऊपर गोरी का मकान नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरा हो जाए एहसान, तेरे बाबू हैं प्रधान, तेरे भैया हैं दीवान, हाय हाय ऐसे में कैसे प्यार करूंगा, तो वही आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूंगा, तुम ही से मैं प्यार करूंगा, ओ मैंने दिल ये तुम ही को दिया है, और नंबर बगल से लिया है, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कहाँ हो मेरे जान, मैं तो पुलिया के नीचे आ गई, सात समुंदर पार में तेरे, वो गुजरात वाली पुलिया रही होगी, गिर गई, आ गई गई, ये वो तो पुलिया भी नहीं थी, वो तो वो वाला झूला है जैसे लुगा उगा में औरतें बच्चवन करना खिलावे बदे ऐसे टांग देते, हमारे औरत कहीं मोदी जी इतना बड़ा लुगा कहाँ से पाई गए, जब वो लटकाए दिए नदी के ऊपर, हम कहे कि मोदी जी ने नहीं लटकाया है, बहुत पहले से वो लटक रहा था, मोदी जी ने उसको और बढ़िया बनवाने की कोशिश किया, मोदी जी की गलती नहीं है, लेकिन कुछ लोग अंदर से गड़बड़ होते हैं, उनके आगे किसी की चलती नहीं है। वाह, हमने कहा सबको ऊपर वाला सजा देता है, ऐसी लोग देश में हमारे जितने लोग हैं, मैं बहुत ही प्रणाम करता हूँ, ये बनारस की धरती है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं कोई खेत पड़ती है, जहाँ का हर एक बच्चा पुलिस या सेना में भर्ती है, ये बनारस की धरती, ये बनारस की धरती। वाह 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 वाह, बनारस पर बोलने का बड़ा मन करता रहता है, लेकिन आपका बहुत स्नेह बड़ा दुलार मिल गया,
तो ऐसे में कहते हैं, चार पंक्तियां और सुन लीजिए बहुत मन से। अगर आपको इश्क हो जाए गर्मी में तो आपको और रिस्क हो जाता है, अगर लड़का देसी है लड़की एसी में रहने वाली हो तो ऐसे में आप दिल टूटना तय रहता है। हमारे भी साथ ये घटना घट गई और ये दमदार भैया के भी साथ घटी है। इनके इनके सर में भी बड़े बड़े बाल हैं, इनको कौन पूछता है क्या हाल है, क्या बात है। इसलिए ऐसे जो है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, वाह, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, फिर निगाहों में एक सवाल आया, देखते देखते कई साल आया, तब तुम्हारी तरह ये बाल आया, वाह वाह वाह, ये ख्याल आया। और बड़ा थोड़ा देर में जरूर आए हैं, लेकिन जितने लोग बैठे हैं इससे भी कम लोगों ने देश को आजाद कर दिया था। क्या बात है, क्या और बात? इससे भी कम लोगों ने इस देश को बर्बाद भी कर दिया तो जब इतने कम लोगों ने आजाद कर दिया, इससे भी कम लोगों ने बर्बाद कर दिया, तो आप मेरी चिंता न करिए, आप लोग उनसे अधिक हैं। आप चाहे आजाद कर दें चाहे बर्बाद कर दें, आपके हाथों में है। हम लोग तो कविता पढ़ते हैं, तरह तरह के आनंद देते हैं, इधर नीर हैं, इधर छीर हैं, इधर अग्निवीर में हमारे साले ने फार्म भर दिया। हमारे साले ने अग्निवीर में फार्म भर दिया और उसकी लंबाई इतनी छोटी, हमने कहा अबे तुम्हारी लंबाई कहाँ है जो तुमने भर दिया। मान लीजिए मोदी जी तरस खा के तुम्हें भर्ती कर लिए और तुम्हें बॉर्डर पे फिट कर दिया गया, तो रात के अंधेरे में तो इंडिया वाले तुम्हें चाइना वाला समझ के पहली गोली मार दें। वो डर गया, कहा जीजा जान बचा ली। हम कहे चलो फार्म वापस, तालियां हो जाए जोरदार, तालियां भाई, वाह वाह वाह, जोरदार तालियां। इसलिए कहते हैं कारवां जो है जवानी का न रुकने दूंगा, सामने आंखों के ये मुल्क न लूटने दूंगा, कारवां जो है जवानी का न रुकने दूंगा, सामने आंखों के ये मुल्क न लूटने दूंगा, खाके भारत हम तेरे सर की कसम कहते हैं, मरते दम तक ये तिरंगा नहीं झुकने दूंगा, मरते दम तक ये तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। आप लोग सोचते होंगे ये कभी कभी कुछ अच्छा भी कहना चाहता है, लड़का बहक गया। धर्म प्रकाश मिश्रा भैया चरणों में सादर नमन करते हैं और बुद्धहीन तन जान के सुमरेव पवन कुमार बुद्धहीन भैया को प्रणाम करते हैं। आदरणीय डॉक्टर प्रशांत साहब बैठे हैं, डॉक्टर प्रशांत जी को जब भी देखता हूँ तो सोचता हूँ कि ये जहाँ भी जाते होंगे चार चांद लग जाता होगा, क्योंकि अगर दो तीन चांद वहाँ मौजूद हैं, एक ये भी पहुँच गए तो वहाँ चार चांद लग जाता है, क्योंकि जिनके चांद आगे से दिखाई देने लगते हैं उन्हें और किसी चांद की जरूरत नहीं। क्या बात है, वाह, और उनको और किसी की जरूरत ना, उनको गोला प्रकार की जरूरत है ना उनको चांदा की जरूरत है, खुदे इतने बड़े चांद हैं, अपना सब त्रिज्या और व्यास निकाल लेते हैं उसी खींच खाच के। इन लोगों का तो बड़ी बात भी रहती है, मुंह भी बड़ा रहता है, ऐसी नहीं कि छोटी बात तो मुंह बड़ा। ऐसे हालात में ऐसे लोग डॉक्टर साहब को सुनना बड़ा अच्छा लगता है। और नीर जी तो दिल्ली से चले आए, पता नहीं इनका नाम इतना छोटा रख दिए, कितना बड़े बड़े कमाल दिखाते हैं कविताओं में। मैं तो इनको आज यूट्यूब पे सवेरे सुन रहा था, तो हमने कहा कि आज नीर भाई को सुनेंगे वहाँ। मैं सोच रहा था कि तीन चार कवियों को मैंने अंदर से सिलेक्ट किया था, अभी ये लक्ष्मी दीदी को भी सिलेक्ट किया था, मुझे पसंद है उनकी कविताएँ, मैं इनको बहुत ही नमन करता हूँ। आदरणीय हमारे बीच में ये हैं कृष्ण कुमार शर्मा जी हैं, मैं उनको भी बहुत प्रणाम करता हूँ। महेंद्र प्रताप पहलवान भैया हैं, अभिषेक तिवारी और आशीष त्रिपाठी TCS वाले बैठे हैं भैया त्रिपाठी जी, और हाँ भैया बैठे, प्रणाम करते हैं भैया आप सबको। जितने लोग हैं मैं सबको बहुत नमन करता हूँ, सबका नाम लिया भी नहीं जा सकता, वैसे नाम इसलिए ले लेते हैं ताकि लोग समझें कि हमारा नाम लेने वाला अभी तक कोई जीवित है। इसलिए जब गर्मी में इश्क हो गया दमदार भैया को तो कैसे रिस्क हो गया, लड़का देसी है लड़की एसी है, कैसे हो गया मामला, कि दिल में सजा के प्यार का गमला चली गई, दिल में सजा के प्यार का गमला चली गई, आंखों से करके अपने वो हमला चली गई, दो रोज मेरे गांव से बिजली क्या गई,
ओ मुझको छोड़ छाड़ के शिमला चली गई, अब जब शिमला चली गई तो इन्होंने फोन पर क्या कहा, तुम ही मेरी रीना, तुम ही हो करीना, तुम्हारे सिवा अब नहीं मुझको जीना। अच्छा थी पीट पीट रोवत है दमदार, कहन तुम ही मेरी रीना, तुम ही हो करीना, तुम्हारे बिना अब नहीं मुझको जीना। तुम ही मेरी रीना, घटाओं के जैसी ये जुल्फों में तेरी, ये जुल्फों में तेरी है कैसी घटाए, अब कमर में है नदियों के जैसी अदाए। अब मुझे फोन पर तुम कहो मत कमी, तुम्हारे मेरी रीना अब नहीं मुझको जी। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, न टकराना, क्या बात है, अरे महादेव। सतीश कुमार कसेरा जी कहते हैं कि न टकराना मुझे से, मुश्किल कर दूंगा जीना, हमारा भी है 56 इंच वाला सीना। ऐसे लोग बैठे हैं कसेरा जी जैसे लोग, बहुत अच्छा है। क्यों बैठे, बहुत नमन करते हैं, इतनी तगड़ी पगड़ी बांध दिया ये हमारी हेंकड़ी निकल गई कि कसेरा जी जैसे लोग यहाँ बैठे हैं। और हम तो आपका जीवन कितना संपन्न है, मुस्कुराते हुए बीत जाए तो कितना अच्छा है। वैसे भी कविता बहुत ऊंचाई से कहने की जरूरत नहीं है। दमदार भाई ने कहा कि लोग चैनल में पढ़ते हैं, संदीप शरारती भाई ने कहा, हमारे पीछे बैठे हैं नीर भैया, हमारे कई मित्रों ने कहा आप चैनल में नहीं जाते। हमने कहा मैं चैनल में कहाँ जाता हूँ, अपना चैनल ही घर काता हूँ, अंदर जाता हूँ, पहले बीवी मिलती है फिर बाद में रंगीन टीवी मिलती है। ऐसे में एक ने कहा आप विदेश नहीं जाते, हमने कहा अभी तो हमको पूरा देश ही नहीं सुन पाया, उसमें विदेश कैसे चले जाएं। तो इसलिए इन जगहों पर अभी जाना नहीं हो पाया, मगर फोन बहुत आते हैं कि आप चले आइए, मगर जाना नहीं होता। किसी ने कहा आपके साथ रहने वाले लोग बड़ी ऊँचाई तक चले गए, ऊँचाई पर हमने 3 शेर दुकानों से कहे। असली कवि वो है जो जहाज की सीढ़ियों से नहीं चाय की दुकानों से निकलता है, वो असली कवि है। असली कवि में हमारा भी नाम आता है और भी कई कवियों का नाम आता है। असली कवि हम हैं, चाय की दुकानों से जो कुछ बनाते हैं आपको लाके पिलाते हैं, कहीं गर्म लगती है कहीं ठंडी लगती है, और इसलिए कविताएं बन जाती हैं। 1-4 पंक्तियां बन गई, दिल से हर आदमी से जुड़ा कीजिए, देख कर बाएं दाएं मुड़ा कीजिए, क्या बात है, देख कर बाएं दाएं मुड़ा कीजिए, वक्त बर्बाद कर देना तुमको कहीं, शोहरतों में न इतना उड़ा कीजिए। फिर इसी की लहजे की 4 पंक्तियां बनाई कि नित नई जिंदगी तुम गढ़ा कीजिए, सबके चेहरों को मन से पढ़ा कीजिए। सूत्र सुनाएंगे, सबके चेहरों को मन से पढ़ा कीजिए, टूट कर ना बिखर जाए तेरा वजूद, इतनी ऊंचाई पर मत चढ़ा कीजिए। वाह वाह, 2 सूत्र सुना दे रहे हैं, क्योंकि दमदार भैया बचा रहा हूँ कि 1 मिनट और ले। ना ना, जब तक हम लोग भी बैठे रहेंगे तब तक सुनाते रहेंगे। नहीं तो मान लीजिए हमारे बाद ना बैठे रहे तब क्या होगा, इसे ये दिक्कत है। क्योंकि मेरा चेहरा गुलाब हो जाए, लखनऊ का नवाब हो जाए, मुझको ऐसी कला दे मालिक, गुड़ बनाऊं तो राब हो जाए।
अब इश्क में जो करे दगा मुझसे, इश्क में जो करे दगा मुझसे, उसकी तबीयत खराब हो जाए। बढ़िया, वाह वाह। उसकी तबीयत खराब हो जाए, इसलिए कहते हैं जो है नहीं, कुछ यादें हैं, कुछ याद आ जाती है, ऊपर नीचे तमाम यादें आती रहती, लिखते कुछ नहीं तो बैठे बनता रहता है सड़क पर बैठे, क्योंकि मैं जानता हूं जो है जख्म तो आएंगे मरहम नहीं आएगा, जख्म तो आएंगे मरहम नहीं आएगा, अब दर्द कर लेने कोई परचम नहीं आएगा, ऐ आंखें मेरी दोनों कुछ तुम ही बरस जाओ, लगता है कि बारिश का मौसम, वाह वाह वाह, लगता है बारिश का मौसम नहीं आएगा। अब एक पिता से बताओ बड़ा कौन है, माँ से बढ़कर जहाँ में भला कौन है, दूसरे लोग सब तुमको देंगे दगा, अपने भाई से बढ़कर सगा कौन। इसलिए कहते हैं राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है, और राजमहल को छोड़ के वन में सोना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है, राजमहल को छोड़ के वन में सोना पड़ता है, राम बनना इतना आसान नहीं है, लक्ष्मण बनना इतना आसान नहीं है। इसीलिए कहते हैं जो है चार पंक्तियों से कहते हैं, एक ऐसे किरदार का नाम लेता हूं जिसको सुनकर आपकी नाटी इमली की याद आ जाएगी, नाटी इमली की याद आती है जहां आपकी आंखें भर आती हैं। इसलिए कहते हैं बिन पानी के काई मिलना कितना मुश्किल है, पर्वत के समराई मिलना कितना मुश्किल है, राम आपके जैसा कोई हर युग में मिल सकता है, पर भरत के जैसा भाई मिलना कितना मुश्किल है। तब चार पंक्तियां ऐसे भी कही, पवित्र पंक्तियां कही, दिलों को जोड़ने वाली कोई ले ही नहीं होती, चाय की दुकान से निकली, लिखा नहीं है, दिलों को जोड़ने वाली कोई ले ही नहीं होती, ये रावण युद्ध ना करता जो बैदे ही नहीं होती, भटकते ही वो रहते, भटकते ही वो रहते जंगलों में आज तक यारों, तो फिर ये राम ना होते जो कह के ही। वाह 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 वाह, ऐसे कुछ पंक्तियां बन गई, मगर हंसने हंसाने के लिए आदरणीय आलोक भैया ने दो सूत्र, हालांकि चार पांच सूत्र लिखे हैं, बेशक बेशक स्वागत है, लेकिन एक मैंने आर्किमिडीज का सिद्धांत बनाया, पाइथागोरस का सिद्धांत, त्रिपाठी जी पाइथागोरस का सिद्धांत मैंने बनाया कि जब कोई लड़का किसी लड़की के हृदय में उसकी धड़कनों के खिलाफ कोई आंतरिक कोण बनाता है तो पुलिस उसको समकोण पर काट देती है। अब पुलिस के द्वारा बनाया गया थाने का न्यून कोण जेल के अधिकतम कोण के बराबर होता है, और लड़का जेल चला जाता है। अब लगे हाथों आर्किमिडीज का सिद्धांत सुन लीजिए, स्वागत है। जब कोई लड़का किसी लड़की के हृदय में पूरा या आंशिक रूप से, या क्षतग्रस्त मानसिक रूप से, या टोटल अनुमानसिक रूप से उसी में डूब जाता है, जब लड़की का मन उस लड़के से ऊब जाता है, तो लड़की के माँ के द्वारा हटाया गया भार लड़के के बाप के भार के बराबर हो जाता है। पूरा घर जेल में एक दो मिनट रहेंगे आप सबके खेल में। हमने अपनी पत्नी से कहा, हमारी पत्नी ने कहा, हमारे ऊपर आपने कुछ नहीं कहा करवा चौथ पे, मैं कैसी लग रही हूँ। हमने कहा कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें,
जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, और सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे, 5000 उधार दे नहीं तो गोली मार दे, किसी बैंक से लोन निकाल के BMW कार दे, हे गम्मा बाबू, प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे। तब फेसबुक पे प्यार हो गया आलोक भैया, तो क्या घटना घटी, 20-30 हजार तक उधार हो न जाए, 20-30 हजार, डर लगता है प्यार करने में, इसके करने में, 20-30 हजार तक उधार हो न जाए, ना मिलो मुझसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए, दिल तुमसे मिल कर के बेकरार हो न जाए, मैं खड़ा रहूं मुंह बाए तू फरार हो न जाए। ये तो ऐसे गाने बन जाते हैं, कोई बनाने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन कहते हैं हमारी हमने पत्नी से कहा अब कि हम प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। वो कहती है आप किसी ट्रक से लड़ जाना लेकिन प्रधानी से न लड़ना। हमने कहा वो क्यों, हम लड़ेंगे, तो कहती है इसमें बहुत खटक्रम है, बहुत दिक्कत है, मत लड़ना, तो बिगड़ गई, कहती है जिनका राजिन मनमानी रजऊ ए बिना दारू के न जीत ब्या प्रधानी। वाह वाह। जे जे जवन मागे वो का तवल तवल दई दिया, बदले में उनके सब के ओटवा तू लई लिया, सब कुछ लुटाई बन जा दानी रजऊ, बिना दारू के न जीत ब्या प्रधानी रजऊ। रात को सपना देखी कि हमारे मन से दु प्रधान हो गए, अब हमारा अपने औरतों और सहेलियों में जलवा हो गए, तो कह करी तो बहुत सही काम रहा, नसो उनका रोके। फिर सबेरवा कहे लड़ाई में तो बहुत मजा आबा, जब जीत जा ब्या राजा बड़ा मजा होई, डन लपके गद्दा पे उछली उछली सोई, अर फॉर्चूनर से घूमब राजधानी रजऊ, बिना दारू के न जीत ब्या प्रधानी रजऊ, बिना दारू के न जीत ब्या। तो ऐसे हाथ की कविताएं हो गई, मगर चलते हुए आपका बहुत मन बड़ा प्रेम अच्छा हुआ, मैं 4-6 पंक्तियों से निकल ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत देर तक कविता कहानी कहने से अपना भाव कम होने का डर रहता है, इससे क्योंकि कभी किसी पे रोब जमाना पड़ता है और कहीं पर खुद झुक जाना पड़ता है, मुरझाए चेहरों को हंसाने के खातिर जोकर का किरदार निभाना पड़ता है। वाह वाह। तो थोड़ा सा क्या बात है, वाह वाह, तिरछा मिरछा हो गया। अरे वाह 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 वाह। अरे जिया राजा बनारस, नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। एकदम जलवा कह दिया भैया, तो क्यों चल रहा, एकदम जलवा कह दिया, चलत चलत एकदम सम्मानित कह दिया, भगवान कसम अगर बनारस में कोई टोपी पहनाना सीखे तो आलोक भैया से। क्या बात है, वाह, अच्छा अच्छा क्या बात है, वाह, आज हमको भी टोपी पहना दिया, अगले जन्म में आपको गोपी की तरह मिलूंगी, आप लोग आप धैर्य बनाए रहिए, सिर्फ इतना कहना है आलोक भैया, जैसे शख्स को जब प्यार हो जाता है, कहते हैं आप से आप लोग बैठे हैं, बस 4 पंक्ति आपके सम्मान में कहते, आपसे मिलके हम सेंसिटिव हो गए, आप से मिल के हम सेंसिटिव हो गए, जितने खामोश थे एक्टिव हो गए, जब से भारत में आया कोरोना कहर, जो निगेटिव थे सब पॉजिटिव हो गए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो ऐसे में जब पॉजिटिव हो गए, तो जब इश्क हो गया, तो बूढ़े भी इश्क किए, नौजवान भी इश्क किए, सबको अलग अलग रंगों में दिखाते हुए आप विदा लेंगे। कहते हैं कभी इश्क हुआ मुझको कोई सेंस नहीं है,
दमदार भैया कभी इश्क कब, हुआ कभी इश्क हुआ मुझको कोई सेंस नहीं है, तारीफ के लिए कोई भी टेंस नहीं है, आंखों से चलाती हो मेरे दिल पे गोलियां, क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस। अरे वाह वाह वाह। अब तुलसियानी दादा जैसे लोग जब इश्क फरमाएं, अब सांड जैसे दादा लोग जब इश्क फरमाएं तो कैसे होता है कि टकरा गया एक बूढ़ा हसीना के जिस्म से। कसेरा बाबू ये आप पर भी लागू है। टकरा गया एक बूढ़ा हसीना के जिस्म से, बोला कि माफ करिए दोनों लेंस नहीं है। आंखों में लेंस नहीं है जबकि पूरा दिखाई दे रहा है मगर बहाना है। बोला कि माफ करिए दोनों लेंस नहीं है, मैंने पुरानी प्रेमिका को इसलिए छोड़ा कि पहले के जैसा जेब में बैलेंस नहीं है। अब कपड़े पहन के पूरा चलो तुम हमारी जान। देखिए सर कपड़े पहन रहा हूं। कपड़े पहन के पूरा चलो तुम हमारी जान, ये भारत है इटली रोम एथेंस नहीं। वाह 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 वाह। कपड़े पहन के पूरा चलो तुम हमारी जान, ये भारत है इटली रोम एथेंस नहीं है। अब पिट जाए अगर आशिक महबूब की गली में, जाने को अस्पताल एम्बुलेंस नहीं है। अब एक बार तालियों से दे दे मुझे विदा, क्या श्रोताओं आपके पास इतना सेंस नहीं है।